लैंड रिफॉर्म करने पड़ेंगे, लैंड रिफॉर्म जो नेहरू ने 60 में किए, वहां बंदा रख सकता है 64 कनाल जमीन, यहां बंदा रख सकता है 87.5 लाख कनाल जमीन। जतोई की कितनी है? 87.5 लाख कनाल और हिंदुस्तान जी, और मिनिमम जिसके पास था उसके पास 4 लाख कनाल है। जब तक लैंड रिफॉर्म नहीं हुए, नंबर वन, ये बेशक टर्न मारते रहे, इधर जागीरदार खड़े, इधर भी जागीरदार खड़े, जितने हैं मैं कोई नहीं पाऊंगा। और सेकंड, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी है जी, सारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, पहले मिलिट्री थी, अब सिविल हो गई, लेकिन ये हमारी बेचारी नहीं, मैं उनकी बात। पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी किसी के मंशूर में बताएं जिसे कहा होगा हम इसको ठीक करें, ना लैंड रिफॉर्म में ना सिविल ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने की बात है। जो तबाही है वो लैंड रिफॉर्म ना होना और सिविल ब्यूरोक्रेसी का खराब होना। पाकिस्तान में सिविल ब्यूरोक्रेसी इतना बिगड़ा हुआ हाथी और बदजात ऊंट है, जब तक आप इसको नहीं ठीक करेंगे ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ये मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ। और जो कभी पाकिस्तान में इनकलाब लाएगा वो पहले इन दो चीजों पर तवज्जो देगा, वो देगा तो ये ठीक हो जाएगा, वो मुल्क भी बन जाएगा। वरना आप रोते रहे, आपका अरब जा रहा है, आपका फाइनेंस सेक्रेटरी आपको 10 लाख नहीं देगा, आपका 4 अरब खराब हो रहा है, आपको 4 लाख रुपया नहीं देगा, आपको 4 लाख लेने के लिए 8 लाख खर्च करना पड़ेगा। जब 8 लाख खर्च करेंगे आप अब थक हार के भाग जाएंगे कि ये नहीं ठीक हो सकता। तो मैं आखिर में डीएचओ की सारी टीम